हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन फिफ्थ रीड करवाया था, जो कि हमने कंप्लीट करा दिया था आपको। होम टास्क में हमने आपको शब्दार्थ दिए थे, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मौखिक क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन है जो निरीक्षक ने, जो स्कूल में निरीक्षण करने निरीक्षक आया था, उन्होंने लड़कों को कौन सा शब्द लिखने को दिया था, लिखने के दिया था। तो निरीक्षक ने लड़कों को कैटल शब्द लिखने के लिए दिया। सेकंड क्वेश्चन है कि देश की आज़ादी के लिए गांधी जी ने कौन सा मार्ग अपनाया, कि जो देश की आज़ादी है उसके लिए गांधी जी ने कौन सा मार्ग अपनाया था। तो देश की आज़ादी के लिए गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। सत्य और अहिंसा मतलब सत्य बोलना, सच बोलना और अहिंसा, लड़ाई झगड़ा ना करके वह मार्ग अपनाया था। फिर है लिखित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी ने क्या कराने का संकल्प किया। तो गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने का संकल्प किया, मतलब वह भारत को आज़ाद कराएंगे, उस चीज़ का उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। फोर्थ क्वेश्चन है सारा संसार गांधी जी को प्यार से क्या कहता है। तो सारा संसार गांधी जी को प्यार से बापू कहता है। अब हम आगे फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए। तो गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। इस प्रकार आज हमारे आपके लेसन फिफ्थ के मौखिक और लिखित क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज का आपका होम टास्क है, मौखिक और लिखित क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट करना है और साथ के साथ अब तक के जितने भी चैप्टर हमने करवा दिए हैं उसका काम कंप्लीट और टू लर्न दोनों करना है आपको। बाय, थैंक यू।